मार्वल मूवीज में हमें सुपर हीरो से तो रूबरू करवाया गया है, पर ये नहीं बताया गया कि आखिर इन सुपर हीरोज का कौन सा वर्जन सबसे पावरफुल है। हालांकि अगर आप अपने फेवरेट सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन के बारे में जानना चाहते हो तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि जो एमसीयू में अब तक नहीं बताया गया वो हम आपको बताने वाले हैं। सोल्जर सुप्रीम। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर सुप्रीम की, जो कैप्टन अमेरिका का पावरफुल वर्जन है। ये वर्जन तब सामने आता है जब कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में मर्ज हो जाता है मार्वल कॉमिक्स की एक टाइमलाइन अंदर। जब थैनोस की बेटी गमोरा के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर आ जाती है, तब वो सोल स्टोन का इस्तेमाल करके पूरे यूनिवर्स में से आधे पॉपुलेशन की सोल को सोल की दुनिया में ट्रैप कर देती है, जिसके बाद जो लोग भी जिंदा बचते हैं उनकी सोल को वो मरे हुए लोगों के साथ मर्ज कर देता है, जिसके चलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका दोनों एक बन जाते हैं और कहलाते हैं सोल्जर सुप्रीम। अब अगर हम सोल्जर सुप्रीम की पावर्स की बात करें तो इसके पास कैप्टन अमेरिका की सुपर सोल्जर पावर्स तो है ही, साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर भी पोजेस करता है, जिस वजह से इसे हरा पाना बेहद मुश्किल है। हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। स्कारलेट विच की पावर से तो हर मार्वल फैन वाकिफ है, मगर हाउस ऑफ एम कॉमिक्स में मार्वल ने हमें स्कारलेट विच के एक ऐसे वर्जन से रूबरू करवाया था जो सिर्फ 3 वर्ष से ही न सिर्फ पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकती है बल्कि सभी म्यूटेंट्स को पावरलेस भी बना देती है, जिसके चलते हाउस ऑफ एम वर्जन के साथ स्कारलेट विच को हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। अब बात करें कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की, तो ये हल्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, जो इमोर्टल हल्क सीरीज के एक स्पेशल इशू के अंदर सबसे पहले नजर आया था। हल्क का ये फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये प्लैनेट्स को सिर्फ अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही साथ कॉमिक्स में तो इसने ना जाने कितने ऐसे सुपर विलन्स को आसानी से हरा दिया था जिन्हें अपने दूसरे नॉर्मल फॉर्म्स में नहीं हरा सकता था। कॉस्मिक स्पाइडरमैन। अर्थ 13 से बिलोंग करने वाले स्पाइडरमैन को ही कॉस्मिक स्पाइडरमैन कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कॉस्मिक पावर्स जो है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन का ओरिजिन तब हुआ था जब अल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में कैप्टन यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया था। अब जैसे ही ये कैप्टन यूनिवर्स के साथ मर्ज हुआ था, तब इसमें कैप्टन यूनिवर्स की सारी एनिग्मा फोर्सेस आ गई, जिनकी मदद से ये मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट और मॉलिक्यूलर चेंजेस के साथ साथ फ्लाई करने लगा। इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन होने के चलते इसके पास स्पाइडरमैन की भी सभी पावर्स है, जिनके चलते ये दूर के डिस्टेंस को तो देख ही सकता है, साथ ही साथ अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को भी पहले से सेंस कर लेता है, जो इसे स्पाइडरमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन बनाता है। गॉड ऑफ लाइट वेनम। जब बात गॉड ऑफ लाइट वेनम की आती है, तब इसे वेनम का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है। दरअसल 2020 में आई किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर जब नल पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करके धरती पर आता है, तब वो एडी ब्रॉक यानी कि वेनम को जान से मार देता है, जिसके बाद गॉड ऑफ लाइट नाम की एक पावरफुल एनर्जी एडी के साथ बॉन्ड हो जाती है, जिससे उसके अंदर मौजूद सिम्बायोटिक पार्टिकल्स गॉड ऑफ लाइट के साथ मिलकर ना सिर्फ उसको जिंदा कर देते हैं बल्कि उसको मोस्ट पावरफुल बना देता है। वेनम का ये वर्जन कितना ज्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इस वर्जन में वेनम थॉर के म्योलनीर के लिए भी वर्दी है, और जब उसका सामना नल से होता है, तब वो म्योलनीर और सिल्वर सर्फर के सर्फबोर्ड को एक साथ मिलाकर एक अल्टीमेट वेपन क्रिएट करते हुए सिम्बायोट गॉड नल को खत्म कर देता है। ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लैक प्रिस्ट नाम के मल्टीवर्स के कुछ डिफेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो मल्टीवर्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए समय समय पर अलग अलग यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉमिक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इनके बारे में पता चलता है, तब वो अपने यूनिवर्स को इन ब्लैक प्रिस्ट से बचाने के लिए इन्हीं के साथ मिल जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज में भी ब्लैक प्रिस्ट की पावर आ जाती है, जिनके साथ ये एक ही वर्ड बोलकर सारे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। गॉड किलर आर्मर आयरन मैन। गॉड किलर आर्मर आयरन मैन का एक ऐसा आर्मर सूट है जिसको पहने हुए आयरन मैन पूरे यूनिवर्स के किसी भी बींग को हरा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस आर्मर का क्रिएशन एस्पायरेंट्स द्वारा सेलेस्टियल वॉर के दौरान किया गया था, और यही वजह है कि ये न सिर्फ साइज में सेलेस्टियल के बराबर है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी है। कॉमिक्स के अंदर जब एस्पायरेंट सेलेस्टियल से हार गए थे, तब उनके मरने के बाद ये आर्मर टोनी स्टार्क को मिल गया था, जिसने इसका मार्क टू वर्जन भी क्रिएट किया था और इसमें बहुत से वेपन्स भी इंस्टॉल किए थे, जिनके साथ वो सेलेस्टियल को भी हराने की दम रखता है। रुइन किंग थॉर। रुइन किंग थॉर को थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है, क्योंकि थॉर के इस वर्जन के पास रुइन मैजिक का एक्सेस है। मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब एसगार्ड के ऊपर रग्नारोक आने वाला होता है, तब उसको रोकने, अपने लोगों की जान बचाने और अपने फादर के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए थॉर अपनी दोनों आँखों को सैक्रिफाइस कर देता है और खुद को फांसी के फंदे से लटका लेता है, जिसके बाद थॉर की सोल उसके फादर ओडिन की सोल से मिल जाती है, और यही पर थॉर को मिलता है रुइन मैजिक का एक्सेस, और आखिरकार वो बन जाता है रुइन किंग थॉर। वैसे तो रुइन किंग थॉर के पास अनलिमिटेड पावर्स है, पर फिर भी अगर हम इसकी मेजर पावर्स की बात करें तो वो है टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन के साथ साथ ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है और उन्हें बहुत हद तक चेंज भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये चाहे तो किसी मरे हुए बींग को भी जिंदा कर सकता है, और तो और अगर
ये चाहे तो अपने सोचने भर से किसी भी इंसान या सुपर हीरो के वजूद को मिटा सकता है, जो साबित करता है कि रुइन किंग थॉर से पावरफुल कोई नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी सुपर हीरोज के अल्टीमेट वर्जन्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।